लगभग मिट्टी काफी हद हिल चुकी हुई सारी मिट्टी में। सत श्री अकाल जी सारयां नूं, स्वागत है तुहाडा सारयां दा मेरे यूट्यूब चैनल डेकोर आर्ट ते। अज असीं जिहड़ा काम करन जा रहे हो सर्दियां दी पनीरी नूं लैके ही करन लगा काम सारा। ये जिहड़े तुसीं सामने चारे दे चारे ड्रम देख रहे हो, ये ड्रम सारे मिट्टी विच पहलां जिहड़े आ उह यूज की जा चुकी हुई है। सर्दियों विच वी इहनूं पहलां यूज करदे रहे हां, हुण गर्मियों विच वी इह सारी दुपहर खड़ी लगी हुई सी उह ते सारी विचों पुट दित्ती गई है। तो इस तरह ही ये जिहड़ा ड्रम सी जिहड़ा कि पूरा वर्टिकल टावर की शेप विच हैगा, सारे साइडां ते शेक किए हुए हैं। इन्हां च असीं सारे ही सर्दियों की पनीरी लवांगे। तो ये सारा लाया हुआ साफ तां पानी पुनी थले जाण वास्ते सानूं नाल दे नाल मैं सारा दिखावांगा। इहदी सारी दी सारी मिट्टी बाहर कढ़नी है ते इहदे अंदर बाद च पॉलीथीन नाल विछाउणा है। तो ये भी सारे ड्रम जिहड़े आ उल्टा के इन्हां चों सारी मिट्टी जिहड़ी आ बाहर कढ़नी है। तो ये सारे पैकेट्स ने, क्योंकि मैं जिन्ने भी लगाउना आ सर्दियों के बूटे वो इस पैकेट के विच ही सारी लगती है। तो इन्हां सारयां नूं हुण मैं अज पहला वेला करन लगा, सारयां नूं पहलां मिट्टी बाहर कढ़ांगे, फिर कुछ दिन की हुण धुप लवावांगे, क्योंकि आसमान जिहड़ा आ उह इस वेले बिल्कुल साफ हैगा आ, कोई बदलवाई नहीं हैगी। सो इस करके दो क दिन आपां इन्हां नूं मिट्टी नूं धुप लवा के कंपोस्ट वगैरह ऐड करके तो सारा अपना जिहड़ा मिट्टी जिहड़ी आ उह इक वारी रेडी कर लांगे। तो दूसरे पासे अज दे नाल दे नाल जिहड़ा काम करना आ उह हैगा बास्केट लियांदियां होईआं, उन्हां बास्केट्स विच मिट्टी भर के ते नाल पनीरी जिहड़ी आ उह तैयार करनी है। उन्हां दे बीज वी लियांदे होए आ उह करांगे। तो कल मैं पहलों इन्हां जिहड़े बूटे लियांदे सी सारे आपां जिहड़े नर्सरी तों इन्हां नूं रीपॉटिंग कीता वा, ते कुछ इधर मैं स्पेस सारी खाली कर रहा इधर सारी स्पेस जी खाली करके। तो ये तुहानूं कल दी इक फिर मैं अपडेट देवांगा। इसे असीं इक नवें कुछ रैक जिहड़े आ उह बनवा रहे हां, ते तुसीं मैनूं जरूर दस्सिओ कि मैं इत्थे होर कि चीज़ कर सकदा। जिवें कि आ सारी पूरी एल दे विच शेप विच स्लैब हैगी आ, ते मैं इत्थे वी नाल दे नाल कुछ करना चाहुंदा हां कि नाल इस चीज़ नूं वी जिहड़ा आ उह कवर किया जाए। सो आ इस तरीके नाल हैगी आ, अजे भी कई हुण आ हैंगिंग जिहड़े आ उह तैयार किए हुए आ, कुछ अजे भी मेरे कोल पए हुए मेरे बूटे उदा ही, इन्हां नूं रीपॉटिंग करना। कल दरअसल मिट्टी जिहड़ी आ सी उह जिहड़ा मैं बनाया सी सारा मिक्सर उह खत्म हो गया सी, हुण फिर दुबारा मिट्टी जिहड़ी आ उह धुप लवाउणा वा, कुछ मिट्टी उस चों वरतांगे। सो अजे होर भी बहुत सारे बूटे लियाउणे आ। ते इधर आ वेखो आ सारा वेखण दे वी तुसीं की करदा पिया मैं। सो ये बड़ा ध्यान नाल जिहड़े सन कॉर्नियर आ जिधर जाओ उधर ही नाल नाल आई जांदे। ते इत्थे मैं हुण अज उह सारा काम करन लगा आ। सो आओ पहलां स्टार्ट करदे आ, उधर जिहड़े ड्रम हैगे आ उहनां दी मिट्टी सारी बाहर कढ़दे आ। ड्रामा दे विच बन्नी हुई है तां जो ड्रम जिहड़े आ उह खुलदे नहीं फिर इहदे नाल ना। सो इस करके ड्रम आपस बन्नण वास्ते नाल रस्सी बन्नी हुई है। इक वारी ते पिछली वारी मैं यूज कीती है तार, उस तार नूं वरत्या सी। सोचो थोड़ी जी पहलो मिट्टी बाहर कढ़ लैने, थोड़ा सौखा हो जाऊगा।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਮ ਹੈ ਚਾਰੇ ਡਰਮ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲਏ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਟੀਕਲ ਡਰਮ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਡਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੈਲੰਡੂਲਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਰੀਗੋਲਡ ਲਾਇਆ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਰਟੀਕਲ ਟਾਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਲਾ ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੀ ਲੱਗਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਉਹ ਕੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਪੋਲੀਥੀਨ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ 'ਚ ਪਨੀਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਮਿੱਟੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਆਪ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੋ ਡਰਮ ਇਹ 'ਚ ਦੋ ਡਰਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਰਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਫੁੱਲ ਲਾਉਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕੱਢਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਧੁੱਪ ਪੂਰੀ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਧੁੱਪ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੰਡੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮੰਡੇ ਅੱਜ ਸੈਟਰਡੇ ਆ ਸੈਟਰਡੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੁੱਪ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਡੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉੱਧਰਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਪੈਕਟ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ
ਹੋਇਆ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਖਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।